हेलो जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आप सभी की? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अपने क्रिकेट एनालिसिस इस चैनल पर, जिसमें आप हरियाणवी में क्रिकेट का एनालिसिस कराएं, जिसमें कोई भी करंट मैचेस हो उसमें सारे के सारे मैच का सारा हार यानी कि विवरण बताया जाए। इसमें आप बात करेंगे इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, जो T20 सीरीज चल रही है उसके बारे में। जी हाँ, जिस तरह आपने पहला बताया पीछे जाके था, हम अपने चैनल पर वीडियो भी देख सको। इंडिया जो पहला T20 मैच जीत गया था और जीतते भी से धूम धड़ाके था, जड़े एक तरफ वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यू लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया था एर गई थी भारत की टीम, और जाकर न्यू लगे कि शायद थोड़ा सा बदला ले लिया भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर। अब आज थी बारी रविवार के दिन दूसरे T20 मुकाबले की। हालांकि दोनों से बने वर्ल्ड कप की बात करा, अगर उसकी बात करूं मैं तो पहला मैच तो दोनों से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, वो तो भारत ने जीत लिया था, सिर्फ फाइनल में आ रहे थे बुरा प्रदर्शन कर आ रहे थे। अब T20 में टीम इंडिया का टीम ए, इंडियन टीम ए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी के सारे टीम ही ऐसी है भाई सब, जो रेगुलर नहीं है, सिर्फ दो तीन बंदे हैं उनसे रेगुलर खेलना भारत की टीम की तरफ था। एक इसमें लगा लो थम सूर्य कुमार यादव लगा लो, दूसरा लगा लो थम ईशान किशन। कृष्णा भी था वर्ल्ड कप स्क्वाड में, पर वो था बैकअप प्लान में, जो उनसे बेंच पे बैठे थे बंदे उनमें था। यार आज आप उसी प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में बात करेंगे। पहला इंडिया की बैटिंग आई, इंडिया ने बनाए 235 रन, मतलब इंडिया ने 235 रन बनाए, तो इसमें थोड़ा सा अचंभा नहीं लगा क्योंकि वो तो T20 है भाई साहब, इतना तो ये ओडीआई में बनाए थे। अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें, पर नहीं इसकी बार ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट। इसमें ओपनिंग बल्लेबाजी खातर आए अपने यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़, इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ऐसी जमी, मतलब ऑस्ट्रेलिया की सारी टीम जम गई, फ्रीज हो गई, देखते रह गई यार यूं क्यों हो गया। बड़े बड़े स्पिनर जंपा वर्गे, स्टीव स्मिथ वर्गे प्लेयर, मतलब ये एक्सपीरियंस प्लेयर, हालांकि ये भी प्लेयर अपने एक्सपीरियंस वाले आईपीएल खेले हुए हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आए हैं, तो उसके बावजूद भी अरे तो लग गया कुछ वगैरह का, मतलब ऑलमोस्ट डेब्यू ही था जिसमें बॉलर हो गए मुकेश कुमार वर्गे, कुछ खेले हुए थे, कुछ मतलब ये नवे आए थे। बात करा भाई यशस्वी जायसवाल की बैटिंग की, इसमें इसने बनाए 53 रन बनाए 25 गेंद पर, सिर्फ और सिर्फ इसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। स्ट्राइक रेट इसका था 212 का। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ जिसमें इसने बनाए 58 रन और सूर्य पारी खेली 43 गेंद पर, 3 चौके और 2 छक्के मारे, इसकी स्ट्राइक रेट थी 134.88। अगर आप बात करें अपने लेफ्टी ईशान किशन की, जिसने मतलब आने वाले टीम का गौतम गंभीर भी कहा जाए, क्योंकि गौतम गंभीर ही इस तरह की खतरनाक पारी खेलने गया था, हालांकि वो भी ओपनर था और वन डाउन भी आ गया था, तो इसका भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। इसने 5 नंबर पर बल्लेबाजी करी है, 6 पर भी करी है और ओपनिंग में भी गया है, रोहित शर्मा गिल है, जिसमें इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 मारी थी वर्ल्ड कप के पहले मैच में, जब इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच था उसमें 50 मारी थी। पिछले मैच में भी इसने 50 मारी थी, T20 मारी, इसमें भी इसने 50 मारी, मतलब कमाल कर दिया। इसमें इसने बनाए 52 रन 32 गेंदा में, 3 चौके और जिसमें 4 छक्के शामिल थे, इसका स्ट्राइक रेट था 162.5 का, मतलब कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव आया, इसने स्टार्टिंग करी बढ़िया करी, बनाए 10 गेंदा में जिसमें इसके 2 छक्के शामिल थे और स्ट्राइक रेट था इसका 190 का। और उसके बाद आया अपना फिनिशर। जी हाँ, अगर इंडियन क्रिकेट की अगर आप बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ना सबसे बड़ा फिनिशर कहा जावे है आज लग के टीम का, पर उसके बाद एक ऐसा बंदा दिखा है, एक थोड़ी सी उम्मीद दिखी है इस लेफ्टी बल्लेबाज के रूप में, जिसका नाम है रिंकू सिंह। जी हाँ, कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ था, जो जिसने 8 गेंदा में कुछ 29-30 रन बनाए थे, तो उसमें भी यूं लग गया था कि भाई यू कौन है क्या। दिनेश कार्तिक की व्यापारी याद है, निधास ट्रॉफी वाली फाइनल वर्सेस बांग्लादेश, 8 गेंदा में 29 रन बनाए थे, वो पारी याद आ गई थी, KKR वाली पारी देख के, मतलब गजब थी वो तो चीज। फिर उसके बाद अगर आप इसकी बात करें तो इसमें इसने 9 गेंद, जी हाँ मात्र 9 गेंदा पर इसमें इसने 31 रन बनाए और जिसमें था 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे, और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट था इसका पूरी टीम में 344.44 का। पर जी हाँ, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। जी हाँ, मुंबई इंडियंस में खेलने का था एक बंदा जिसका नाम है तिलक वर्मा, इसमें उसने 350 की स्ट्राइक रेट का रन बनाए, हालांकि रन इतने बनाए कि मैं कहूँ सिर्फ 2 गेंदा पर 7 रन बनाए, 1 गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर सिंगल। इन सारे बंदे की कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडिया का स्कोर होया 235 रन पर 4 विकेट। जी हाँ, उसके बाद आई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बारी। अब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में न्यू था कि मैथ्यू शॉट, स्मिथ, मतलब कैसे खिलाड़ी,
तो बना देंगे, तबाही कर देंगे। स्टीवन स्मिथ जिसकी कभी कल्पना करी जा रही थी, विराट कोहली के लिए कंपैरिजन करी जा रही थी, उसके टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ और T20 में स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की मतलब अगर पार्टनरशिप की बात करें तो उनकी लंबी लंबी 100-150 रन की पार्टनरशिप लगे रही थी, पर उसके बाद स्टीव स्मिथ के ऊपर बैन लग गया तो उसके बाद तो थोड़ी सी उसकी फॉर्म में गिरावट आएगी। हालांकि डेविड वार्नर ने कमबैक कर लिया, अपना कमबैक यू भी करने की ट्राई कर रहा है, इसलिए इसको टीम ए में भेजा गया है। अब इनके स्कोर की बात कर लिया, टी स्मिथ ने बनाए 19 रन 16 गेंदों पर, चौका और एक छक्का शामिल था, स्ट्राइक रेट थी 118.75। उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट जिसने 19 रन बनाए 10 गेंदों पर, टी स्मिथ की डाला पर इसने थोड़ी सी गेंद कम खेली और जल्दी आउट हो गया, जिसमें इसके 3 चौके शामिल थे, इसने कोई छक्का नहीं मारे। अब उसके बाद जोश इंग्लिश, जोश वर्ल्ड कप के स्क्वाड में था, सारी टीमों की नाक में दम कर दिया था इन्हें, वो भी आ गया अभी इसमें, और उसने इसमें कुछ नहीं बनाया, 2 रन पे खलास ढेर गिर गया डेपड़े। उसके बाद है ग्लेन मैक्सवेल, जी हाँ वो मैक्सवेल जिसने तबाही ठा दी थी वर्ल्ड कप में हर दूसरी टीम के खिलाफ, मतलब वो था ना न्यूजीलैंड वाला मैच तो याद होगा, एक बार पर चोट लगी थी, जितना रन लिया जावे था छक्के छक्के मैच जीत गया था, न्यूजीलैंड वाला या अफगानिस्तान वाला, एक बार जाकर चेक कर लियो, ठीक है नीचे कमेंट करके बताओ कौन से वाला मैच था, ताकि इस बार कमेंट तो करोगे। चलो 12 रन बनाए ग्लेन मैक्सवेल में, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस, जी हाँ एडम जंपा का दोस्त मार्कस स्टोइनिस एक मात्र ऐसा खिलाड़ी जिसने ऑस्ट्रेलियाई टीम में कुछ ना कुछ रन बनाए, इसने बनाए 45 रन 30 गेंदों पर, जिसमें चौका और 4 छक्के शामिल थे और इसकी स्ट्राइक रेट थी 80। उसके बाद मैथ्यू वेट दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाला खिलाड़ी, जिसमें इसने बनाए 42 रन 30 गेंदों पर, एक चौका और 4 छक्के शामिल थे। टीम डेविड था जिसने बनाए 37 रन, इसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उसके बाद 3 एबट 1 रन, एडम जंपा 1 रन, तनवीर सांगा 2 रन, यूं था कुछ सार ऑस्ट्रेलिया टीम का। अब इस पूरे मैच में था रिकॉर्डिंग कौन बनना चाहिए था प्लेयर ऑफ द मैच, यशस्वी जायसवाल ने 50 बनाई, तिलक वर्मा ने 7 रन बनाए, चल वो तो आप कंसीडर नहीं करेंगे, रिंकू सिंह ने कम गेंदा पे 30-30 रन बनाए, उसने भी चल कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि थोड़े रन है। ईशान किशन है जिसकी 50 लगी, यशस्वी जायसवाल है जिसकी 50 लगी, ऋतुराज गायकवाड़ है जिसकी 50 लगी, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए, रवि बिश्नोई ने 3 विकेट लिए, बाकी ना चले एक एक विकेट लिया उनकी अलग बात है। रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ या ईशान किशन, था रिकॉर्डिंग इस पूरे मैच का प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि मैन ऑफ द मैच कौन होना चाहिए नीचे कमेंट करके बताओ, पर जो ऑफिशियल आया है वो है यशस्वी जायसवाल को बनाया गया है प्लेयर ऑफ द मैच, जो इंटरनेशनल टीम जिसमें था शुभमन गिल, पृथ्वी शो वर्गे खिलाड़ी लिखे हैं, शिवम मावी एक बॉलर होकर था इसमें, KKR की टीम में खेल कर था, ऐसे ऐसे प्लेयर लिखे हैं उसी अंडर 19 टीम में, तो लिखे हैं यशस्वी जायसवाल, गरीबी स्तर पर उठ के आज मैन ऑफ द मैच बने वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इंटरनेशनल मैच खेलना कितनी बड़ी बात है, और इसने तो कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, चदर पड़ गया, रुमाल कर दिया। नीचे कमेंट करके तो थाने वीडियो कैसी लगी, जयराम जी की जय, बार जय हरियाणा जय।